नमस्कार साथियों, सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल मौर्य गुरु अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए वो निकाल के लेके आया हुआ हूँ, जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी रिलेशनशिप, सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ, जितने भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ये खबर उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर। हम जो उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ है, सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के लेके आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, जो लकीर में पारने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी भत्ता योजना, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन अगर इसको करते हैं तो आप लोग सभी लोगों के लिए ये प्रतिमा 1,000 रुपये की राशि प्रदान होगी। जैसे कि इसको कौन कौन कर सकता है, इस वीडियो के अंतर्गत आपको पूरा बताएंगे हम। दोस्तों, इसको रजिस्ट्रेशन करिए, लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको इस वीडियो में ही बताया जाएगा लिंक कैसा होगा। आपको लिंक पर आपको क्लिक करना, होम पेज पर जाके आपको कुछ डिटेलें अपनी भरनी होगी। चलिए आज जान लेते हैं इसको कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है और ये इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो इसके लिए आगे बढ़ने से पहले मेरे मौर्य गुरु एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर न्यू यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। साथियों, जितने भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, सभी लोगों के लिए ये खबर निकल के आया कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना, इस योजना के अंतर्गत क्या नाम है, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना। आवेदन की जानकारी पूरा हिंदी में बताएंगे आपको, हिंदी में जानकारी ये देने वाले हैं हम आज आप लोगों को। दोस्तों, जितने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना निकाला है सरकार ने, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ, तो सभी लोगों के लिए ये सहायता प्रदान करेगी। जितने भी किसान भाई हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी, उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों के लिए योजना निकल के आया हुआ है। चलिए आप लोगों को इस योजना के अंतर्गत बताने जा रहे हैं आप लोगों को। साथियों, ऐसी सभी बेरोजगारी शिक्षित जो शिक्षित हैं, सभी बेरोजगार हैं, सरकार की तरफ से ये योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका लाभ क्या है मैं बता देने जा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। 1,000 रुपये हर महीने प्रतिमाह आप लोगों को मिलेगा, हर महीने 1,000 की राशि आप लोगों के खाते में प्रोवाइड कराएगी सरकार। कुछ आप लोगों को इसका टिप्स भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जितने भी उत्तर प्रदेश के निवासी है। साथियों, अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको कोई भी अगर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को पूरा उसका, आप लोगों का जितना भी कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लोगों का क्वेश्चन का मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। कोई भी आप लोगों को, अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मुझसे जरूर संपर्क करें, ठीक है। मेरी टीम लगी हुई रहती है इसी के लिए, तो कोई भी सरकार की तरफ से न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहले वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं, आइए हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे कि बेरोजगारी भत्ता उत्तर प्रदेश की निवासियों के लिए है और हर महीने 1,000 रुपये कैसे आप लोगों को मिलेगा, इसका ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे इसमें, आप लोगों को क्या क्या टिप्स लगना है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। इस योजना के माध्यम से सभी पात्र बेरोजगार शिक्षित युवाओं की तरफ से आप लोगों को बता दिया जाए कि सबसे पहले, साथियों, आप लोगों को ये बता दिया जाए कि मैं, दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ, सभी लोगों के लिए ध्यान से सुनिएगा, जितने उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। पहली बात आप लोगों के लिए ये अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, ठीक है। आवश्यक है कि मूल निवासी होना जरूरी है, ठीक है। आवेदक के लिए, जो आवेदन कर रहा है, जो आवेदक है, आवेदन करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो 12वीं पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसमें कुछ टिप्स बताया गया है, 12वीं पास होना चाहिए। जो आवेदक है उसका उम्र, जो आयु है, वो 21 से 35 वर्ष के माध्यम में होना चाहिए, ठीक है। आवेदनकर्ता की बेरोजगार होना चाहिए, मतलब वो बेरोजगार होना चाहिए, कोई उसके पास रोजगार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी रह गया बात, परिवार की वार्षिक आय, मतलब 3 लाख रुपए से कम इनकम आप लोगों के, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 लाख से, ठीक है, 3 लाख से कम ही होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे को इतना पता है, साथियों, जितने भी आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी, 3 लाख रुपए की इनकम होती तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती सरकार की तरफ से, जो योजना निकली है, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के सरकार के जितने भी बेरोजगार आप लोग हैं, सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी, अब आप लोगों को इसके दस्तावेज बताने जा रहा हूँ कि दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। आप लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और ईमेल आईडी लगेगी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। साथियों, अगर आपको ईमेल आईडी नहीं बनाने आता है और मोबाइल नंबर तो आपके पास होगा, अगर ईमेल आईडी नहीं होगी, अगर ईमेल आईडी के लिए प्रॉब्लम होगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको बता दूंगा ईमेल आईडी कैसे बनाना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, ठीक है, आप अगर एक स्टूडेंट है तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, उत्तर प्रदेश का बोनाफाइड होना जरूरी है, ठीक है। बोनाफाइड क्या होता है, अगर ये पता नहीं है आप लोगों को, तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। बोनाफाइड उत्तर प्रदेश का निवास आप लोगों को होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का। दूसरी बात, इतनी ही आप लोगों को ये कन्फर्म, इतनी 4-5 आईडी लगेगी आप लोगों के पास है, तो इसका आसानी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आप लोगों को कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका लिंक आप लोगों को पूरी आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। साथियों, सॉरी, इसमें थोड़ा सा
कट के आ गया है कटिंग, प्लीज़ इसके लिए डिस्टर्ब मत होइएगा। मैं आप लोगों को फिर उसी पेज साथ ही आप लोगों को इसका ऑफिशियल वेबसाइट बताने जा रहा हूँ, जो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं इस प्रकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। www. रुकिए सर, आपको फिर से मैं बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए आप www.result देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, हाँ रिजल्ट uniraj.co.in, ठीक है। ये आपको वेबसाइट आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाके इस पर क्लिक करिए, होम पेज पे आएंगे, आप लोगों को कुछ अपनी टिप्स बताई दिया हूँ, जो जो दस्तावेज लगेंगे उसको भरिए, कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सभी लोगों के लिए ये जानकारी बहुत बढ़िया है, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए। साथियों अगर न्यू यूजर है हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, जो भी नई से न्यू से न्यू जो भी योजना निकल के आएगी सरकार की तरफ से या कोई भी अपडेट आएगा, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय वंदे मातरम।